नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। आप बिहार एक्सो देख रहे हैं। देखिए, तमिलनाडु में बिहार वासियों के साथ जिस प्रकार घटना वहां सामने आ रही है, उस पर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई सांसद चिराग पासवान ने भारत के गृह मंत्री को खत लिखकर अमित शाह को इस बात से अवगत कराया है। देखिए खत में क्या कुछ लिख रहे हैं चिराग पासवान। आदरणीय गृह मंत्री जी, महोदय, पिछले दो दिनों से लगातार सोशल मीडिया एवं समाचार के माध्यम से तमिलनाडु में रह रहे बिहारियों पर अत्याचार की खबरें सामने आ रही है। कई विचलित करने वाली तस्वीरें व वीडियो भी सामने आई है। कई बिहारी जो तमिलनाडु में रह रहे हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क कर इन खबरों को सत्य बताया, परंतु तमिलनाडु का स्थानीय प्रशासन इन खबरों को भ्रामक बता रहा है। महोदय, मैं नहीं जानता हूँ कि इन खबरों और तस्वीरों या वीडियो की सत्यता क्या है, पर इतना जानता हूं कि यदि यह जानकारी सही है और एक भी तस्वीर या वीडियो की पुष्टि होती है, तो यह दूसरे राज्यों में रह रहे बिहारियों के लिए अत्यंत चिंताजनक है। इस विषय पर मैंने बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। बिहार में रह रहे बिहारियों का विश्वास मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार खो चुके हैं। परिणाम स्वरूप दूसरे प्रदेश में रह रहे बिहारियों को भी उनसे अब कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में बिहारी केंद्रीय गृह मंत्री होने के नाते आपसे सुरक्षा की उम्मीद रखते हैं। अतः आपसे आग्रह करता हूं कि अपने स्तर पर जांच कराकर सच और झूठ का फैसला करें। यदि यह भ्रामक खबर है, तो उन लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो देश की एकता और अखंडता को खंडित करने का काम कर रहे हैं। और यदि यह खबर सत्य है, तो बिहारियों पर अत्याचार करने वाला एक भी दोषी ना बचे और सभी अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, यह मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करती है। देखिए, चिराग पासवान लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जमुई सांसद हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी से कि बिहारियों के साथ अगर तमिलनाडु में ऐसा कुछ हो रहा है, जो सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आ रहा है और खबरें जो सामने आ रही है, तो आप उस पर जांच करवाइए, और अगर बिहारियों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो यह अत्यंत दुखनीय खबर है। और प्रदेश से बाहर जो भी बिहारी रह रहे हैं, उन तमाम लोगों को चिराग पासवान इस बात से, अमित शाह को और मौजूदा नीतीश कुमार को भी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी उन्होंने खत लिखकर इस बात से अवगत कराया है कि बिहारियों के साथ जो वहाँ हो रहा है, उस पर जल्द से जल्द किसी भी प्रकार का एक्शन लिया जाए, ताकि ऐसा घटना सामने ना आए। बहरहाल, लगातार एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आप बिहार एक सोच पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।